पांच व्यक्ति से, और ये सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इधर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है, जैसे किसी का सिक्योरिटी का है सपोज आज किसी कंपनी के पास है, दूसरे साल के बाद किसी दूसरे के पास आता है, और ये सारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं नियर अबाउट 60+ हैं ये लोग, तो इनको जो नई कंपनी आ रही है वो बोल रही है कि हम लोग अपने नए डिपोर्ट करेंगे, पुरानों को कंटिन्यू नहीं करेंगे, और इनको मैक्सिमम इनको 4 ईयर्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए, जब IIT बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब से ये लोग कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत की है बेसिकली, जब यहाँ बिल्कुल गंद था, आज तो यहाँ IIT दिख रहा है कि जस्ट दिस इज गेट एंड ये अंदर मतलब IIT का प्रेमिसेस है, लेकिन जब इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बारिश में अंदर जाना मुश्किल होता था, तब से ये लोग ज्वाइन किया है यहाँ पे, और जो लोग हैं कहाँ रहते हैं ये सारे लोकल जम्मू के ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, कुछ पंचायत के हैं, मैं जट्टी पंचायत से हूँ, कुछ पंचायत के लोग हैं, कुछ वहाँ से हैं, और इन्होंने इवन के कोरोना कॉल में भी जब है तब भी ड्यूटीज़ दी हैं, बहुत दूर से आते थे ये लोग, और घर में जो बिहेवियर होता है कोरोना के जो बाहर निकलते हैं घर में जो बिहेवियर होता है वो इन्होंने बियर किया है सब ने, कि किसी को दूर से खाना मिल रहा है घर में भी लोग उनको कैसी नज़रों से देखते हैं जब कोई बाहर से होके आता है, हम लोग भी ऐसे ट्रीट करते हैं, तो इन्होंने सारा इतना सफ़र किया, आज अब अंदर से जो इनके जो हेड हैं, जैसे यहाँ कर्नल होता है, हेड होता है सिक्योरिटी का इंचार्ज, वो हैं सर, और जो एक और हैं यहाँ पे, तो उन्होंने इनको बोला कि कल से आप मतलब कुछ ऐसे इनका कैंसिलेशन का ऑर्डर है कि नहीं आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और न्यू आएंगे, तो इन्होंने मैं यही कहूँगी कि इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस है, इनका कोई इनको कुछ अपनी क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे, ये तो 4 साल से कर चुके हैं, इनको कोई फील्ड में रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारे 60+ नहीं है, विद इन 60 ईयर्स हैं ये लोग, तो इनको इनको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने हैं, ये एक दो बंदे की बात ही नहीं है। अभी नई कंपनी कौन सी कंपनी आई हुई है? ये साई सिक्योरिटी है, साई सिक्योरिटी है, वो इनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इनको नहीं कर रहे हैं, वो न्यू लोग डिप्यूट कर रहे हैं, जो कि इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है, बींग अ सरपंच मुझे मंजूर नहीं है, मुझे गेट पे बैठना पड़ेगा, मैं गेट पे बैठूंगी इनके साथ, मुझे अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग कुछ वैसा कर नहीं सकते, अगर हमें रोड पे जाना पड़ेगा हाईवे पे जाना पड़ेगा तो मैं इनके साथ जाऊंगी, बिकॉज इनकी फैमिलीज हैं, ये 4 साल से, और सबसे बड़ा इशू ये है कि पहले इनको बताया कुछ जाता है जब कोई कंपनी आती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, जब ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर इनका कुछ पता नहीं क्या होता है, इनको भी बेचारों को इतना पता नहीं चलता, और मिलता इनको अकाउंट में जब है तो कितना 6000 पे ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दूसरी अगर कोई कंपनी आती है वो कहती है आप निकलो दूसरा, ये 6000 पे इतनी दूर से आते हैं जो लोग, कहीं पास के हैं कहीं दूर के हैं, तो इनको लास्ट मोमेंट पे ये कहा जाता है कि तुम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये कहां जाएंगे क्या करेंगे, अब 6000 के लिए भी इनको कोई राइट नहीं है कि हम इस चीज को 6000 में भी कंटिन्यू करें, उसके लिए भी कोई इनके ऊपर और आके बैठेगा और कोई डिसीजन लेगा इनकी लाइफ के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने बियर किया वो नए वाले लोग बियर नहीं कर रहे, और कुछ यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, कुछ कैप्टन रिटायर हैं, कुछ सूबेदार रैंक के लोग हैं, आप इन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है जो न्यू कंपनी आएगी, ऐसा नहीं होगा, और मैं इनके साथ हूँ। हाँ जी सर, हमें ना 4 साल हो गए इधर लगे हुए, जब कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था तब से हम यहाँ से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब सब कुछ बन गया तो अब हमें ये निकाल रहे हैं, और पहले भी हमें ये 3-4 महीने पहले निकाल चुके थे, तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके इन्होंने हमें रखा, लेकिन हमारी इसमें क्या गलती है, ये क्यों निकाल रहे हैं, हमें ये बताना चाहिए इनको क्यों निकाल रहे हैं, जब काम नहीं हमने अच्छा किया, जब हमारी कोई कंप्लेन है तो ये निकालें हमें, हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, हम ड्यूटी से ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना में भी देते रहे, अभी फिर कोरोना हम जम्मू से आते हैं, हमें कभी गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, 2-2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, स्टार्टिंग दा लगे दे इत्थे 4 साल हो आए हुण सानु लगे दे, अज सानू भी कढ़ा, एक बार पहले भी कढ़ चुके, हुण दूई बारी भी कढ़ा दे, कहना चाहोगे मैनेजमेंट करने दे, असीं आखणा कि असां करनी है नौकरी, साडा खर्चा नहीं चलता, घर दा मुश्किल है सानू बड़ा, कियां खर्चा चल गया, घर दा सब निकला दे, अस कोरोना चला दा उपरा ते अस कुत्थे जाचै, सुसाई ना असें, अस ड्यूटी दिंदे रहे, अस लगातार आंदे रहे, डबल शिफ्ट भी करदे रहे, अस सिक्योरिटी सुपरवाइजर इधर सर, इधर जब से लगे हैं हमारे PF का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, जब भी बोलते हैं हाँ आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है, मैं 4 नवंबर 2018 को लगा था, और उस टाइम से लेकर अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं थी। आप कौन सी कंपनी के साथ लगे? ओरियन कंपनी के। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो नई कंपनी आई है साइंस कोटिक आई है, इन्होंने पूरे बंदे न्यू रखे हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमने पुराना बंदा कोई भी नहीं रखना है,
हमारी इनके इनसे बीच बीच में बात भी होती रही, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कल नई कंपनी लेके आ रहे हैं अपनी स्कूटी, और हमारे जो लोकल बंदे हैं चार चार साल से इधर सर्विस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम पूरे बंदे कल नए लाएंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इधर 6-6 हज़ार रुपये पर तीन चार चार साल हो गया हमारे को नौकरी करते हुए, तो तब से हम इधर लगे हैं। पिछले साल COVID-19 चल रहा था, उस समय में हमने जानकर रिश्क लेकर इधर आए थे। हमारी ये डायरेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है और इधर जो सिक्योरिटी ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट है कि इन बंदों को पूरों को पूरों इधर जहाँ पर लगाया जाए और ना रखा निकाला जाए इनको। IIT JKT सुपरवाइजर हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नई सिक्योरिटी आई है, अभी बोल रहे कि पुरानी सिक्योरिटी गार्ड कोई भी नहीं रखा जाएगा, जो नए आएंगे वो ही रखे जाएंगे। दूसरा नंबर की हमारी 2 साल से सैलरी पेंडिंग है, अभी कोरोना चला हुआ है, अगर 2 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है तो इनको अगर निकाल देंगे खाना पानी कहाँ से खाएंगे, ना पिछला बकाया दिया, ना PF दिया, ना ESI दिया, उसके बारे में कोई नहीं। बोल रहे कि पहली तरीक से ये पुरानी सिक्योरिटियाँ नहीं आएगी तो इसकी जो पेमेंट है वो कौन करेगा, उस पेमेंट की जवाबदारी कौन लेगा। जब पिछले साल भी कोरोना आया था तो उस समय हम लोकल लोगों ने इधर सुबह जाना, दोपहर को फिर आना, शाम को फिर आना, घर से रोटी खा करके आना, इधर से जाना घर भी थोड़ा परहेज करना पड़ता था, अगर हम इधर से जाते बच्चे को भी कोरोना हो जाता था। हमने इतनी सेफ्टी रखते हुए भी इस IIT को चलाया हुआ है, जब शुरू से सिक्योरिटी चली थी हम ही थे इधर, नंगे पाँव आते थे क्योंकि जूता पहना नहीं जाता था, बारिश में रहने के लिए जगह नहीं थी, मच्छर काटता था हमें। आज हम पूरे लग रहे हैं, आज नए पूरे लगे, ये जो सिविल गार्ड है वे 6 हज़ार के पर रखे हुए हैं, इनको बोला कि आपकी आस्ता आस्ता सैलरी बढ़ेगी, वो भी नहीं बढ़ी, उल्टी कम कर दी, अभी सैलरी बढ़ाई तो बोला इनको निकालो नए रखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। हम भी इसके ऊपर डिपेंड हैं, चलो दो चार हम एक्स मैन हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें पेंशन मिलती है, लेकिन सिविल वालों को क्या मिलता है, उनका क्यों हक सीना जा रहा है, पहली प्रायोरिटी तो हमारी होनी चाहिए।